दोस्तों स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स बडी चैनल में। तो फ्रेंड्स आज अपन फिर से इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने सोचा गाइस वीडियो बना दूं। तो आपको गाइस आज मैं स्कॉलरशिप भी बताने वाला हूं और इंटर्नशिप भी बताने वाला हूं गाइस। तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो और जो कि इंटर्नशिप्स हैं गाइस वो बेसिकली गाइस अगर आप 2022 में ग्रेजुएट हो रहे हो या 2023 में ग्रेजुएट हो रहे हो या 2024 में भी हो रहे हो तो भी गाइस आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आज मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंपनीज के बारे में इंटर्नशिप्स आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस जल्दी से आप अप्लाई कर देना। प्लस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना गाइस और लाइक जरूर करना जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले मैं और ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहूं गाइस। तो अब से रोज गाइस एक ही एक वीडियो में अपलोड करूंगा जब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मेरे और ज्यादा वीडियोस आप लोग चाहते हो कि मैं बनाऊं तो जल्दी से जल्दी मेरा 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कर दो गाइस। तो फिर मैं आपको फिर से डबल वीडियोस बना के दूंगा। तो आज से गाइस मैं सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा और ये आपका अपलोड हो जाएगा 3 या 4 बजे गाइस ये वाला वीडियो, ठीक है। तो बस जल्दी से जल्दी लोगों को शेयर करो, उनसे बोलो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें तभी मैं डबल वीडियोस बनाऊंगा जैसे मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे गाइस, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे अभी आकर कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो गाइस। प्लस आप मेरे को इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में भी फॉलो कर सकते हो, मैंने उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है गाइस, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की जो कि मैंने आपको बताई है। और ये प्रोग्राम जो कि है ये बेसिकली निकॉन कैमरा की तरफ से दिया जा रहा है और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है गाइस। आप देख सकते हो फॉर स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग 2022 टू 2023 के बच्चे जो है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है गाइस। और ये 2022-2023 दिया जा रहा है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं बेसिकली बडी फॉर स्टडी एक प्लेटफॉर्म है गाइस, बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है गाइस। यहाँ यहीं पे ही आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती है गाइस। और अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो गाइस आपको कॉमर्स बडी सर्च करना है प्लेलिस्ट में, वहां पे गाइस मैंने 5 डोमेन बना के रखी है तो आप उनको देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं, फिर इंटर्नशिप जॉब अपडेट्स बताए हैं, संडे स्पेशल सेशंस बताए गए हैं गाइस, फिर बिजनेस केस स्टडी कॉम्पिटिशन और स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने बताया गया है। तो गाइस जिनको भी जो भी कोर्सेज एनरोल करने गाइस आप कर सकते हो। ये सब आज मैं आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ, बाकी सब इंटर्नशिप से गाइस। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है फोटोग्राफी वगैरह में तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गाइस अगर आप कॉलेज में हो। तो अगर अपन बात कर लेगा इस प्रोग्राम बेसिकली होने क्या वाला है तो आप देख सकते हो निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 इज एन इनिशिएटिव ऑफ निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू फाइनेंशियली सपोर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू परस्यू फोटोग्राफी रिलेटेड कोर्सेज। तो गाइस अगर आप फिर लिखा है द स्कॉलरशिप इज मीन टू हेल्प स्टूडेंट्स जो कि गाइस क्लास 12th पास आउट है उनके लिए बेसिकली होने वाली है, हु आर एनरोल्ड इन अ फोटोग्राफी रिलेटेड कोर्स विद अ ड्यूरेशन ऑफ 3 months और मोर। तो गाइस अगर आप कोई फोटोग्राफी कोर्स कर रहे हो 3 महीने का उससे ज्यादा, या आपका कोई दोस्त है जो कि फोटोग्राफी कोर्स कर रहा है आफ्टर 12th, तो ये उनके लिए स्कॉलरशिप बेसिकली बनाई गई है गाइस। और अगर अपन डेडलाइन की बात कर ले तो डेडलाइन आप देख सकते हो 31st मार्च 2022। तो गाइस अभी टाइम है डेडलाइन को, बट आप जल्दी से जल्दी आज ही अप्लाई कर देना और आज ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है गाइस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ओपन फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग फोटोग्राफी रिलेटेड कोर्स विद अ ड्यूरेशन ऑफ 3 months और मोर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। विद अ स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th, आपकी क्लास 12th हो जानी चाहिए गाइस तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली शुड बी लेस देन 6 लाख, तो गाइस आपके घर की जो इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए सालाना तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड चिल्ड्रन ऑफ निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बडी फॉर स्टडी एम्प्लॉयज आर नॉट एलिजिबल। तो गाइस जो कि ऑलरेडी निकॉन में अप्लाई पहले कर चुके हैं या जो कि बडी फॉर स्टडी जो कि प्लेटफॉर्म उसके जो एम्प्लॉयज है वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स आप देख सकते हैं गाइस अप टू 1 लाख रुपीज की स्कॉलरशिप मिलने वाली, तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, बहुत सारे मतलब आपको पैसे वैसे मिलेंगे गाइस अगर आप कॉलेज लेवल में हो। तो आप यहां पे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, पहला आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ देना अपना, फिर आप देखोगे तो एड्रेस प्रूफ देना, एड्रेस प्रूफ में गाइस अपना आप आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। फिर गाइस आपको क्लास 12th की मार्कशीट देनी है,
फिर आपको गाइस प्रूफ ऑफ एडमिशन, मतलब आप जिस भी कॉलेज में गए हो जो कि फोटोग्राफी रिलेटेड है, या इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड, एडमिशन फी रिसिप्ट, वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, और फिर करेंट एकेडमिक ईयर फी रिसिप्ट, ठीक है, और बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द स्कॉलरशिप एप्लीकेंट, मतलब आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स आगे जिसमें आपके पैसे आएंगे 1 लाख रुपए गाइस, तो आपको प्रॉपर बैंक अकाउंट IFSC कोड वगैरह देना पड़ेगा, और अपने जो भी आपने फर्स्ट ईयर की या जो भी मंथ्स की आपने अभी फीस दी है कॉलेज में उसकी आपको रिसिप्ट देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो गाइस करना बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे बटन दिख रही है, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना गाइस। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, इसमें लॉग इन विद गूगल कर सकते हो, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, अगर गाइस आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर हो तो आप ईमेल आईडी से मतलब लॉग इन कर सकते हो, नहीं तो आपको इसमें अकाउंट अपना बनाना है गाइस, तो अपना अकाउंट भी बना सकते हो, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही गाइस आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने ये खुल जाएगा, इसमें स्टूडेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और एक और कंफर्म पासवर्ड करके टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ के गाइस रजिस्टर कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है, तो जिनको भी गाइस एनरोल करना है आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग स्कॉलरशिप दी जा रही है गाइस, और ये जो भी है फोटोग्राफी रिलेटेड स्टूडेंट्स वो लोग यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लस गाइज आप यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है मेरे को तो आप पूछ ही सकते हो, प्लस आपको और भी ज्यादा डाउट है तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो गाइज, जो कि मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, और आप इसकी या तो फिर आप ईमेल आईडी में भी कर सकते हो, nikonscholarship@buddyforstudy.com। यहाँ पे गाइज कुछ लोगों की एक डाउट्स वगैरह थे तो वो अपन देख लेते हैं, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस स्कॉलरशिप। To the selection of scholars for the Nikon scholarship program involves a multi-stage process. The scholars will be selected based on their family income and academic background. है ना भाई? तो आपके guys basically आपकी family income तो judge होगी जो कि 6 लाख से नीचे होनी चाहिए, और फिर आपका academic qualification, तो आपके percentage कितने थे class 12th में, तो ये सब guys देखा जाएगा, उसके basis पे आपको scholarship मिलेगी। तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हो जो जो select हो जाएंगे, मतलब पहले ही उनका मतलब resume जो भी रहेगा वो select जब हो जाएगा, फिर आप देखो स्क्रीनिंग ऑफ स्कॉलरशिप applications based on financial need and academy. तो गाइस आपकी प्रोफाइल का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, फिर गाइस आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होने वाला है फॉर फर्दर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। तो एक छोटा सा एक इंटरव्यू होएगा गाइस टेलीफोन में, आपको बस अपना नेम, ईमेल, मतलब नेम आपको बताना पड़ेगा, आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब गाइस आपको बताना पड़ेगा, और फिर लास्ट में गाइस एक होएगा फेस टू फेस इंटरव्यू फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो गाइस जैसे ही आप इंटरव्यू राउंड टेलीफोनिक वाला भी क्लियर कर लेते हो तो आपका एक फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड होएगा, ये भी बस आपको बस एक फॉर्मेलिटी का है, तो बस आपका ये हो जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे गाइस आपके बैंक अकाउंट पर। फिर गाइस आप देखोगे तो आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन नाउ एंड एम नाउ प्रोसूइंग माय सर्टिफिकेशन फोटोग्राफी, कैन आई अप्लाई। तो गाइस जो भी फोटो, हाँ अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई और आप कोई परसुइंग कोर्स कर रहे हो 3-4 महीने का फोटोग्राफी का, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। और लास्ट क्वेश्चन है गाइस, इज देयर एनी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर टू अप्लाई? नो, देयर इज नो मिनिमम परसेंटेज। तो गाइस आपके जितने ही परसेंटेज है 12th में वो मैटर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस उनको एक इंटरेस्ट होना चाहिए गाइस फोटोग्राफी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोगों के गाइस डाउट्स भी थे तो आप ये सब भी पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, और जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये थे हमारी गाइस स्कॉलरशिप, निकॉन स्कॉलरशिप, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं गाइस इंटर्नशिप्स की। तो इंटर्नशिप में गाइस मैं आपको आज कॉमर्स बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड के अलावा कोई भी, आपको कोई भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते गाइस तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो पहली वाली, इसमें गाइस कॉमर्स ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वॉइस प्रोसेसिंग इंटर्नशिप होने वाली गाइस, और ये इन्फोसिस की तरफ से दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी कंपनी गाइस इन्फोसिस, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और Fortune 500 में भी आती है गाइस इन्फोसिस। तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट बैचलर ऑफ साइंस, BE, कंप्यूटर साइंस, और भी गाइस आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस 0 इयर्स का मांगा हुआ है। तो जिनको भी अप्लाई करना है यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। अब आपका काम क्या होने वाला है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे दिया हैंडल्स, मैनेजेस या टिकट्स एज पर द डिफाइंड SLA एक्यूरेसी। तो गाइस आपको बेसिकली यहाँ पे टिकट्स वगैरह मैनेज करनी पड़ेगी, फिर एनश्योर टाइमली अपडेट्स आर प्रोवाइडेड टू द यूजर विद एन SLA। तो गाइस आपको टाइमली अपडेट्स वगैरह देने पड़ेंगे जो भी आप काम कर रहे हो, फिर एंश्योरिंग RCA फॉर ब्रीच्ड टिकट आर कैप्चर्ड एंड वर्कड अपॉन। तो गाइस ये RCA वगैरह ये सब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में बताएंगे, तो आप घबराओ नहीं, बस मेन होना चाहिए कि गाइस मैं सिलेक्ट हो जाऊँ इस इंटर्नशिप, इस जॉब अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। तो शुड बी एबल टू आर्टिक्यूलेट इशूज एंड रिजोल्यूशन टू एंड यूजर वी फोन या
checked. Office should be able to keep a track the priority of the tickets and need to handle within the stipulated timeline. तो आपको हर चीज का गाइस टाइमलाइन दिया जाएगा यहाँ पे, तो उस बेसिस पे आपको गाइस कंप्लीट करना हो. शुड बी एबल टू टू स्मूथ शिफ्ट हैंडओवर व्हेन ही और शी कम्स क्लोजेस्ट टू शिफ्ट. तो गाइस जैसे ही आपकी शिफ्ट कंप्लीट हो जाए तो आपको प्रॉपर उसको क्लोज करना, प्रॉपर आपको स्प्रेडशीट में उनको बताना पड़ेगा क्या क्या चीजें कवर है. तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हो. फिर अपन स्किल्स की बात कर लेंगे गाइस. तो बेसिकली आपका ये बीपीओ का काम होने वाला है जो की 24/7 काम होने वाला है गाइस. यहाँ पे भी आपके अलग अलग वो रहेंगे, हेल्प डेस्क L1, L2, L3 और फिर सर्विस मैनेजमेंट में गाइस L1, L2, L3. तो गाइस अलग अलग शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा. लोकेशन गाइस अभी इसमें दी नहीं है, लोकेशन आप देख सकते हैं टू अ बिजनेस रिक्वायरमेंट. तो अभी आपका गाइस वर्क फ्रॉम होम होने वाला है, बट जैसे ही कोरोना सही हो जाएगा गाइस तो आपको पुणे जाके काम करना पड़ेगा, आप देख सकते हो. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाली गाइस. बस आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक करोगे गाइस आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, साइन इन और रजिस्टर मांगेगा तो आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं है अकाउंट तो आप अकाउंट बना के डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. तो मैं बता देता हूँ इंटरव्यू राउंड कैसे होगा गाइस. जैसे आप अप्लाई कर दोगे तो आपसे एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा. एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद गाइस आपका डायरेक्ट फाइनल इंटरव्यू होगा. तो आपको कोशिश करना है एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लो. ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, मैथ्स इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आती है गाइस. ठीक है, अब हमारी सेकेंड इंटर्नशिप सेकंड जॉब की बात कर लें गाइस जो कि अगेन इंफोसिस की तरफ से दी जा रही है और ये गाइस प्रोसेस स्पेशलिस्ट की है गाइस. मैंने पुराने वीडियोस में आई गेस बताया था इंफोसिस की, बट वो थी प्रोसेस एग्जीक्यूटिव और ये है गाइस प्रोसेस स्पेशलिस्ट. तो गाइस इसमें आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है, अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है उससे ऊपर का तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. इसमें भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हो और ये भी बेसिकली बीपीओ वाली सर्विस लाइन है गाइस. ठीक है, तो अपन यहाँ बात कर ले गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होने वाली. तो आप देख सकते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स और इंटरमीडिएट अकाउंटेंट्स प्रेफर्ड, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है गाइस. फिर फंक्शनल नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑन R2R प्रोसेस एडिड एडवांटेजेस, फिर प्रायर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ERP विद स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल, मतलब ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को आपका नॉलेज होना चाहिए गाइस और फिर स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स होने जरूरी है गाइस. यहाँ पे आप देखो तो 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और जनरल लेजर एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई बीइंग अ एडेड एडवांटेज. ठीक है, फिर टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लें गाइस. तो आपको एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशनल टास्क जो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क होने वाले गाइस वो आपको डे टू डे मैनेज करने पड़ेंगे. फिर डिलीवर एज पर द एग्रीड टाइमलीनेस, जो भी आपको गाइस दिया जाएगा टाइमलाइंस वगैरह उस पर आपको कवर करना पड़ेगा और मीटिंग स्पेसिफिक डेडलाइंस वो सब गाइस आपको देखना पड़ेगा. फिर थर्ड आप देखो तो एडियर टू SLAs, तो SLAs वगैरह आपको गाइस सिखाया जाएगा क्या क्या होता है वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो उसकी टेंशन नहीं है गाइस. और फिर आखिरी आइडेंटिफाई एंड एग्जीक्यूट प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स अपॉर्चुनिटीज. और आप देख सकते हैं गाइस प्रेफर्ड स्किल्स FP&A फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, जो कि बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस होता है FP&A. ठीक है गाइस, इसकी अगर अपन लोकेशन की बात कर लें गाइस तो पुणे होने वाली है. तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए भी. ठीक है, अब अपन बात कर लेते गाइस ये बेसिकली जो कि मैं आपको 4 बताने वाला हूँ ये कुछ इंजीनियर्स के लिए और कुछ गाइस नॉर्मल सभी के लिए. ठीक है, तो हैकर अर्थ एक गाइस एक बेसिकली कंपनी है जहां से बहुत सी चीजें अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी चीजें आती रहती. तो इनकी करेंट ओपनिंग्स आई है गाइस, आप देख सकते हैं पहली है फ्रंट एंड इंटर्न. तो गाइस फ्रंट एंड इंटर्न है मतलब गाइस अगर आप 2022 में ग्रेजुएट हो रहे हो या 2023 में हो गए या 4 में हो गए या 5 में हो गए तो भी गाइस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये सभी के लिए वैलिड है. और अगर आप मैथ साइंस वाले स्टूडेंट होना जरूरी गाइस क्योंकि बेसिकली फ्रंट एंड में आपको गाइस वेबसाइट्स का इंटरफेस वगैरह बनाना पड़ेगा, कोई भी आपको वेबसाइट वगैरह देंगे तो उन सबको आपको बेसिकली चेक करना पड़ेगा. तो आप देख सकते हैं हैकर अर्थ गाइस बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर डेवलपर सॉफ्टवेयर कंपनी है गाइस जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करती है डेवलपिंग स्किल्स थ्रू ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो गाइस तो इधर पे लिखा हुआ है कम्युनिटी वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अक्रॉस द ग्लोब टू एक्सेस देयर कोडिंग स्किल्स वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन देख सकते हैं 6 months का होने वाला और स्टाइपेंड गाइस आपको 40,000 पर मंथ दिया जाएगा. तो आप देख सकते हैं 2,40,000 रुपए आपको मिलेंगे 6 months के लिए. तो गाइस और हो सकता है आप काम अच्छा करो तो आपको परमानेंट जॉब ऑफर भी आ जाए, तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, कोई भी अप्लाई कर सकता है. यहाँ पे अगर आप रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लें तो यहाँ पे देखो तो अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट ओनर एंड कन्वर्ट विजुअल टू इंटरैक्टिव वेब इंटरफेसेस, फिर डेवलपिंग न्यू यूजर फेसिंग फीचर्स, फिर राइटिंग रीयूजेबल कोड्स एंड बिल्डिंग लाइब्रेरीज फॉर फ्यूचर यूज, फिर UI और UX डिजाइन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज एप्लीकेशंस फॉर मैक्सिमम स्पीड एंड स्केलेबिलिटी,
प्लस गाइस यहाँ पे आपको मेन स्ट्रीम लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क जो कि बेसिकली रिएक्ट जेएस इकोसिस्टम या जावा वगैरह गाइस आपको आती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अपन स्किल्स रिक्वायर्ड की बात कर लेंगे गाइस, तो एटलीस्ट आपको गाइस डॉम मैनिपुलेशन अंडरस्टैंडिंग कंपोनेंट जो कि सीटीएस होते हैं, फिर ES6 CSS एनिमेशन रिस्पॉन्सिवनेस रिएक्ट नेटिव ये सब गाइस आपको एंगुलर वगैरह ये सब गाइस आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस बननी चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत GitHub SVN लेस NPM ये सब गाइस आपको पता होना चाहिए एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। तो अप्लाई फॉर दिस पोजीशन पे आपको क्लिक करना गाइस, आप नीचे पर देखोगे तो आपको दिख जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अपना रिज्यूमे आपको सेंड करना है। फिर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में गाइस अगर आप कोई भी मैंने बोला कोई भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आप गाइस 2024 में ग्रेजुएट हो तो आप अदर करके यहाँ पे आप अदर करके फिर उसका डू यू हैव नॉलेज और एक्सपीरियंस तो आप यस या नो अपने हिसाब से देख सकते हो गाइस। फिर आर यू एबल टू कमिट 6 मंथ्स, तो आप गाइस प्रॉपर 6 मंथ्स करोगे ना काम तो ये आपको यस नो कर देना है ठीक है, और सबमिट एप्लीकेशन कर देना गाइस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है। तो जैसे आप सबमिट कर दोगे अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा ठीक है गाइस। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस जो की है SME की इंटर्नशिप बेसिकली दी जा रही है गाइस, आप देख सकते हो इवेल्यूएटर की इंटर्नशिप है ये और लोकेशन आप देख सकते हैं बैंगलोर होने वाली है। तो जब तक गाइस अभी आप घर ही में हो तो वर्क फ्रॉम होम ही होने वाला है ये, आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना। अगेन गाइस आप देखो तो 6 मंथ्स की होने वाली है इंटर्नशिप और आपको स्टाइपेंड 40,000 पर मंथ दिया जाएगा, तो बहुत ही अमेजिंग बात है गाइस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लें गाइस, तो बेसिकली आपको फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक डेटा साइंस बिग डेटा मशीन लर्निंग IoT ब्लॉकचेन वगैरह ये सब बनना चाहिए। फिर डिजाइनिंग इवेल्यूएशन डॉक्यूमेंटेशन फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो कि बेसिकली वायर फ्रेम्स होते हैं मॉकअप्स होते हैं आइकन्स APIs वगैरह। फिर गाइस आप देखोगे तो इवेल्यूएटिंग मल्टीपल आइडियाज सबमिशन एंड रेट देम बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स एंड गाइडलाइंस, तो ये सब गाइस आपको देखना पड़ेगा। फिर कम्युनिकेट विद द क्लाइंट एंड अंडरस्टैंड द रिक्वायर जो जो रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट्स की वो सब आपको मैनेज करनी पड़ेगी गाइस। वे मेंटर एंड जज फॉर ऑल द एफोरमेंशन्ड टेक्नोलॉजीज इन आर ऑनसाइट हैकेथॉन्स ऑफ आवर आइडिएशन एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ आवर कम्युनिटी हैकेथॉन्स, तो ये सब गाइस आपको देखना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस, फिर से अगेन आपको अप्लाई फॉर दिस पोजिशन कर देना और यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दिस ठीक है गाइस। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस जो कि ये भी अमेजिंग इंटर्नशिप होने वाली है, ये भी बेसिकली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होने वाली और ये टेक्निकल कंटेंट इंजीनियर की इंटर्नशिप होने वाली गाइस। आप लोकेशन की बात कर लो अगेन बैंगलोर होने वाली है गाइस और स्टाइपेंड गाइस में आई गेस सेम मिलने वाला है 40,000 पर मंथ। यहाँ पे आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लो तो आपको गाइस बेसिकली एक रिक्रूटमेंट मैनेजर का काम करना पड़ेगा, फिर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स अराउंड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम मैथ्स प्रोसेस और वेरियस डिफिकल्टी लेवल्स आपको देखनी पड़ेगी गाइस। फिर टेस्ट प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय अदर प्रॉब्लम सेटर्स जो लोग दूसरे लोग आपका प्रॉब्लम्स वगैरह देंगे उनका आपको सोल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर एड कोड आपको कोड्स वगैरह बनाने पड़ेंगे अलग अलग जो कि वो लोग देने वाले दूसरे लोग। फिर गाइस आप देखो डिजायर्ड स्किल्स में आपको एक्सीलेंट नॉलेज होना चाहिए गाइस डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिथम और मैथ्स का। फिर एक्सीलेंट प्रोफाइल ऑन सम ऑफ द ऑनलाइन मतलब बेसिकली आपको थोड़ा बहुत इनमें से आपने किसी में भी काम किया हो या किसी में भी आपने रैंक वगैरह ही तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट होने वाला है। फिर कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग और टेस्टिंग प्रॉब्लम्स फॉर ऑनलाइन जजेस विल बी प्रिफर्ड ठीक है गाइस। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज में दी है, जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप डायरेक्टली यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है। और आज की गाइस हमारी जो की लास्ट इंटर्नशिप है ये भी बहुत अमेजिंग है, ये बेसिकली गाइस कंटेंट एनालिस्ट इंटर्न होने वाली है। इसमें भी गाइस कोई भी अप्लाई कर सकता है बट इसमें अगर रिक्वायरमेंट्स बोला है सिर्फ इंजीनियरिंग वाले तो गाइस सिर्फ इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। तो अपन बात कर ले गाइस अगेन कंटेंट एनालिस्ट में भी गाइस आपको स्टाइपेंड 40,000 दिया जाएगा और लोकेशन आप देख सकते हो गाइस बैंगलोर होने वाली है। आपका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर ले गाइस तो आपको बेसिकली एनालाइजिंग द कंटेंट क्रिएशन रिक्वायरमेंट्स शेयर्ड बाय क्लाइंट्स, जो भी आपको भाई कंटेंट दिया जाएगा उनको आपको एनालाइज करना है और फिर उसके बेसिस पे गाइस आपको रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट करनी है। क्रिएटिंग MCQs फॉर द फॉलोइंग मतलब बेसिकली आपको लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, हायरिंग चैलेंजेस, फिर क्रिएटिंग टेस्ट फॉर वेरियस क्लाइंट्स
और फिर आप रिक्वायरमेंट्स की बात करो तो गाइस एटलीस्ट आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए गाइस कंप्यूटर साइंस की सीएसई, और फिर गाइस आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या क्या होता है, डिफरेंट एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज उसका गाइस आपको नॉलेज होना चाहिए, ये सब बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेजेस है गाइस। फिर गाइस आपको सी सी प्लस प्लस पाइथन और जावा में से एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बननी चाहिए गाइस, और शुड हैव एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल एनालिटिकल स्किल्स, तो गाइस ये तो जरूरी है हर कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, और एप्टीट्यूड भी होना चाहिए गाइस, बेसिकली प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हें चाहिए पड़ेगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। और प्रॉपर आपको पूरा इंटर्नशिप में एक्सपीरियंस बताया जाएगा कैसा क्या होने वाला है, तो आपको बिल्कुल घबराने की टेंशन नहीं गाइस, बस आपको सिलेक्ट होना जरूरी है। तो हर में गाइस आपको सेम काम करना अप्लाई फॉर दिस पोजीशन करके, और डायरेक्टली आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली गाइस मैंने आपको आज आपको निकोन की स्कॉलरशिप बताई है, इन्फोसिस की वॉइस प्रोसेसिंग की जॉब बताई है, इन्फोसिस की ही प्रोसेस स्पेशलिस्ट की जॉब बताई है गाइस, फिर हैकर अर्थ में गाइस मैंने आपको इसकी बताई है फ्रंट एंड की, फिर आपको गाइस मैंने एसएमई इवैल्यूएशन इंटर्न बताई है, फिर आपकी नेक्स्ट मैंने इंटर्न प्रोग्रामिंग बताई है गाइस जो कि बेसिकली टेक्निकल है, और ये गाइस कंटेंट एनालिस्ट की लास्ट है। तो गाइस मैंने आपको इतनी सारी इंटर्नशिप्स बताई है और प्लस एक स्कॉलरशिप के रिलेटेड बताया हुआ, तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो आज के लिए अपन वीडियो इतना ही रखते हैं गाइस, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करो और बोलो कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिर्फ मैं अभी एक ही वीडियो बनाऊंगा जब तक मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते गाइस। तो आप लोग चाहते हो और ज्यादा मैं वीडियोस बनाते रहूं गाइस, तो जल्दी से मेरा 500 का टारगेट कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो गाइस आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, गुड बाय गाइस, बाय बाय बाय।